आज के वीडियो में हम उस इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाले हैं जो हर इंडियन टेबल पे मिलता है हर मौसम में, और वो है पल्सेस। इंडिया में पल्सेस का कंजम्पशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डाइट में, और अलग टाइप के पल्सेस खाए जाते हैं अलग रीजन्स में। जैसे नॉर्थ इंडिया में छोले और राजमा स्टेपल है, और साउथ इंडिया में तूर दाल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है थैंक्स टू द सांबर। पर दाल्स और होल पल्सेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, और हम इंटरचेंजेबली इन टर्म्स को यूज करते हैं। और जब मैं क्लाइंट्स को काउंसिल करती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दाल्स और होल पल्सेस को लेके, जैसे कि नेहा, एम आई अलाउड टू ईट ऑल टाइप्स ऑफ दाल्स एंड पल्सेस लाइक राजमा, चना, मसूर? एम आई अलाउड टू हैव चना एंड राजमा? वॉन्ट इट मेक मी पुट ऑन वेट? क्या नेहा मैं दाल और पल्सेस दोनों इंक्लूड कर सकती हूँ अपने डाइट में? तो मैंने कहा एक ही बार में इस कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है होल पल्सेस, जिन्हें कि हम साबुत पल्स भी कहते हैं हिंदी में, जैसे कि राजमा, व्हाइट और ग्रीन चना, चौली, हरा मूंग, अखी उड़द, कुलित और सूखे मटर। और सेकेंड कैटेगरी है दाल्स, जिन्हें होल पल्सेस को स्प्लिट करके बनाया जाता है, और इनमें भी दो तरीके के वेरिएंट्स होते हैं, एक जिनमें छिलका होता है जैसे कि मूंग दाल छिलके के साथ और उड़द काले छिलके के साथ, और एक जिनमें छिलका नहीं होता है जैसे कि येलो मूंग दाल, तूर दाल, चना दाल, मसूर दाल और सफेद उड़द दाल। होल पल्सेस एज द नेम सजेस्ट होल फूड्स होते हैं, और इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है जो बहुत बेनिफिशियल है वीगन्स और वेजिटेरियंस के लिए, और स्पेशली जिम गोअर्स के लिए, जैसे कि चना और कुलित। और इनको आप राइस के साथ मिक्स करके खाएंगे तो ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है। इनमें बहुत सारा फाइबर भी होता है जो वेट लॉस में सपोर्ट करता है, क्योंकि फाइबर हमें लंबे समय तक फुल फील करवाता है। डायबिटीज मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि हमारे शुगर्स को स्लोली अब्सॉर्ब करता है और एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को भी हमारे बॉडी से निकाल देता है। ये होल पल्सेस हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट में, फाइबर उनको फीड करता है और गुड बैक्टीरिया को ग्रो करता है जो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखते हैं। They are also very rich in calcium, iron, magnesium, potassium, all of which is very important for bone and muscle health and to give us good amount of energy. Whole pulses ko khane ka best tarika hai unko sprout karke, steam karke khana, ya fir unko 8 se 10 ghante bhigakar aur pressure cook karke khana. Isse unki digestibility bhi improve ho jati hai aur nutrient availability better ho jati hai bina gas aur bloating. Ab hum baat karte hain dals. जैसे हमने कहा था, दाल्स को भी होल पल्सेस को स्प्लिट करके बनाया जाता है, इसीलिए उनके भी हेल्थ बेनिफिट सिमिलर होते हैं होल पल्सेस जैसे। बट सिर्फ एक डिफरेंस होता है, उनका सोकिंग और कुकिंग टाइम कम होता है, और वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इजी होते हैं, इसीलिए ये बहुत ग्रेट ऑप्शन होते हैं उन लोगों के लिए जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज हो, जैसे कि एसिडिटी, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, डायरिया या फिर कोई फीवर या इन्फेक्शन हो, जहां पर इजी टू डाइजेस्ट एनर्जी रिच फूड्स की जरूरत पड़ती है। इनमें एक और डिफरेंस होता है, वो है फाइबर कंटेंट का, जो छिलके वाली दालों में ज्यादा होता है, जैसे कि हरी मूंग छिलके वाली और काली उड़द छिलके वाली दाल, और बिना छिलके वाली दालों में फाइबर कंटेंट थोड़ा सा कम होता है क्योंकि उनपे छिलका नहीं होता। आप दाल्स को सूप में डाल सकते हैं, ग्रेवीज में भी डाल सकते हैं, और दाल का पानी भी पी सकते हैं, और ये सारी चीजें आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा बेनिफिट करें। इन अ नटशेल, होल पल्सेस हो या दाल्स, ये दोनों ही हमारे हेल्थ के लिए सुपर बेनिफिशियल है, और आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और वैरायटी ऑफ डिशेस बना सकते हैं अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से। एंजॉय योर दाल्स एंड पल्सेस।